मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहां रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। मैं ये आप लोगों को बताने आया हूं जिस औरत ने इतनी बेहूदगी यहां की वो उस घंटे को 40 मिनट नहीं खेल पाई। 10:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहां तमीन हो गया कलेक्टर के यहां। उसको पता चल गई 11:11 पे कि तू सस्पेंड हो चुकी। तो आपने सुना नरेंद्र भाटी को किस तरह से वो तमाम लोगों के बीच शेखी बघारते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 41 मिनट में उन्होंने एसडीएम को सस्पेंड करा दिया। आइए अब सुनते हैं नरेंद्र भाटी का एक और बयान जिसमें वो एक ईमानदार अफसर के जबरन कराए गए निलंबन को लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, एसडीएम दुर्गा की कानूनी कार्रवाई को ज्यादती बता रहे हैं। सुबह फोन किया था हाजी जी का, सुबह उनसे भी कह रहा था, मैंने कि आप फोन कर रहे हो मुझे रात को 10 बजे शमशाद में बता दी कि दीवार गिरा दी और मैंने कार्रवाई भी पूरी कर दी है, आप निश्चिंत रहो आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो सुबह ही बता रहा था, तभी मैंने फोन रखा है, तभी एसएसपी का फोन आया कि जी एसडीएम का सस्पेंशन आदेश रात को रिसीव हो गया है। मुझे तो पता थी लेकिन विधिवत उन्होंने ही बताया। डीजीपी का फोन आया, देवराज नागर आप ही के पड़ोसी हूं, सुबह से 2 बार डीजीपी से बात हो चुकी, नोएडा में था तब भी आया, सुबह घर पे था तब भी आया और हमने कहा भैया तू वहीं धनकौर में ही खेला होगा, तेरी बगल के स्कूल के बगल में ये हुआ है, नहीं कर तेरे लोगों ने ये जाति की है, तेरा इलाका है कुछ कार्रवाई। तो ऐसा नहीं है जब कोई अच्छा काम हो तो किसी को धन्यवाद भी देना चाहिए, जब कोई खराब काम हो तो उसे बता भी देना चाहिए। ये लोकतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र की महिमा, इसी से लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जब हम कोई गलती करें तो हमें टूट दो, ऐसा लोग विचार कर रहे हैं, लोगों का मानना है। टूटने के सैकड़ों तरीके होते